हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पेट का एग्जाम बहुत ही जल्दी आपका होने वाला है, मुश्किल से एक महीना ही बचा हुआ है, ठीक है। और आपके चैनल पे लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक और नए प्रैक्टिस सेट का लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें नए मिलते हैं, साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का। बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको करंट के मिलेंगे। आज जितने भी एग्जाम इसमें हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स का रोल बढ़ता ही चला जा रहा है लगातार। फिर भी आप जैसे पेट जैसे एग्जाम में देखते हैं कि 5 क्वेश्चन तो मतलब मिलते ही मिलते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अल सलवाडोर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को रिसर्च साइटेशन प्रति फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त हुआ है? तो कौन सी वो यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर या फिर मुंबई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी जो यूनिवर्सिटी है उसको रिसर्च साइटेशन प्रति फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर वर्षा के जल संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अभियान शुरू किया, कैच द वाटर, कैच द रेन, स्टोर द वाटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैच द रेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम ई विद्या कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ग से है? दिव्यांग से, महिला से, बालिका शिक्षा से या सभी से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीएम ई विद्या कार्यक्रम का संबंध जो है वो दिव्यांग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला गाँव स्थित है? तो 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला गाँव जो है वो कहाँ पे स्थित है आपका? वह है जम्मू कश्मीर में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जहां वोट वहां टीकाकरण, जहां वोट वहां टीकाकरण किस राज्य सरकार की योजना है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? देखिए ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जहां वोट वहां टीकाकरण या दिल्ली सरकार की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 8 जून, 7 जून, 9 जून या 10 जून? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 जून 2021 को केंद्र सरकार द्वारा फार्माकोपिया आयोग किस मंत्रालय के अधीन गठित हुआ है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है केंद्रीय आयुष मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय आयुष मंत्रालय। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा किस घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को स्वीकृत प्रदान की गई है? टैन बायो कोविड-19, फैन गियो कोविड-19, पैन बायो कोविड-19 या सैन बायो? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैन बायो कोविड-19। मोहन जोदड़ो का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह या फिर एक बाजार क्षेत्र? तो मोहन जोदड़ो का जो अर्थ होता है वो है आपका है माउंट ऑफ द डेड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का, हिंदी में बोले तो मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष मोहम्मद गोरी से पराजित हुए थे? पृथ्वीराज तृतीय देखो 1991, 1192, 1391 या 1061 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 1192 में। जो पहला युद्ध हुआ था तराइन का उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्रीकालहस्ती, तिरुपति, हम्पी या भद्राचलम? जो विरूपाक्ष मंदिर है वह हम्पी में स्थित है, और हम्पी कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सीढ़ियों से गिरकर एक ही व्यक्ति की मौत हुई थी मुगल बादशाह में, वो थे हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। प्लासी का युद्ध लड़ा गया कब? 1748, 1757, 1764 या फिर 1762। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1757। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757। अगर बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। ब्रह्म समाज के नाम से किसे जाना गया था? वो थी आत्मीय सभा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1815 में यह बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929, सितंबर 1925। तो असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? यह वापस लिया गया था आपका 1922 में, जो चौरी चौरा कांड हुआ। ठीक है, उसके बाद गांधी जी पर बहुत दबाव बना और असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ऑप्शन देखते हैं, अगस्त 1905, जुलाई 1905, अक्टूबर 1905 या फिर सितंबर 1905। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा जुलाई 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? सी एफ एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चितरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के रूप में हम लोग जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? बैगनी, मैजेंटा, गहरा नीला, काला। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का जो रंग है वो है गहरा नीला। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या एशिया। तो सबसे बड़ा जो विश्व का महाद्वीप है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। एशिया, एशिया के बाद आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद आता है दक्षिण अमेरिका। तो इसका जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका है दक्षिण अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो भारत में ही पड़ता है, कौन सा? असम का माजुली द्वीप। ठीक है, यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है तथा समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 12, 24, 48 या फिर 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है किसका? चीन का, यूएसए का, रूस का या फिर भारत का। संसार में धान उत्पादन में जो दूसरा स्थान है वो आपका है भारत का, पहले पे क्योंकि चीन आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन, भारत, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के, मंगल के, शनि के या शुक्र के। तो जो सबसे ज्यादा उपग्रह हैं वो शनि के हैं, कितने? 82। इसके बाद जो आते हैं आपके हैं किसके? बृहस्पति के, 79। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन क्या है? डाटा संग्रहित करने की एक डिवाइस, डेटा मापने की एक इकाई, चिप्स के बारे के नियम, चिप्स के बारे में नियम या डिजिटल मुद्रा का रूप। तो बिटकॉइन क्या है? यह है डिजिटल मुद्रा का एक रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, 41, 40, 37 या 35। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र कंपनियां, असंगठित क्षेत्र या परिवार। तो सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा परिवार। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय या राज्यों के लिए अनुदान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकास व्यय में शामिल नहीं है, जो विकास पे खर्चा होता है उसमें कौन? रक्षा व्यय का शामिल नहीं है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष लागू की गई? 1995, 96 में, 98, 99, 2000 से 2001 या 2004 या 5। राइट आंसर इसका है बी, 1998 या 99 में। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? 11, 9, 10, 12। ठीक है,
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है, तो 10 शामिल किए गए थे। ठीक है, ये मूल संविधान में नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो संवैधानिक जो उपचार है आपको या मौलिक अधिकार के लिए दिए गए। ठीक है, किसके तहत आता है, मौलिक अधिकार के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को। देखो, राष्ट्रपति जो कार्यकाल उसका पूरा होता है तो वो देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति का पूरा रहेगा तो वो देगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत है, दल बदल, आरक्षण, निर्वाचन या अल्पसंख्यक संरक्षण। ठीक है, तो 52वें संविधान संशोधन में दल बदल के अंतर्गत आता है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, संसद करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या उपराष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक मूल रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा, नीला, उपयुक्त सभी, ये तीनों के तीनों यहाँ पे दे दिए गए हैं, यही तीनों के मूल रंग होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा इसलिए डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। निकट दृष्टिकोण संबंधित है किससे, निकट की वस्तुओं का ना दिखना, निकट दृष्टिकोण में निकट अगर होगा तो दूर की वस्तुएं आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, किस ऑप्शन में देख लीजिए, दूर की वस्तुओं को ना दिखना, तो बी ऑप्शन में आपका दिया गया है। अगर निकट है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी, अगर दूर दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी, ये आपका उसमें उल्टा होता है। ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता, पानी में, इस्पात में, हवा में, निर्वात में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ध्वनि तीव्रता मापी जाती है किसमें, महो में, हेनरी में, लक्स में या डेसिबल में। ध्वनि तीव्रता नापी जाती है डेसिबल में, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, स्वप्रेरण पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, लॉरेंज का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर जो सिद्धांत है काम करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। तो यह 40 क्वेश्चन आपके जीएस के समाप्त होते हैं। जो आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं, हिंदी के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं कराए जाएंगे आपके। ये आपके वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6, 5, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए थे कहाँ पे, हैमिल्टन में, कनाडा, लंदन, इंग्लैंड। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन आपका दिल्ली, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये किसकी कृति है, चित्रांगदा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो कृति थी वो किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। किसान घाट समाधि स्थल है किसका, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, चौधरी चरण सिंह का या जगजीवन राम का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह का है। महात्मा गांधी का कौन सा है, राजघाट है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, जबकि जवाहरलाल नेहरू का कौन सा है, शांतिवन, शांतिवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, केरल का, तमिलनाडु का या गुजरात का। तो कुचिपुड़ी जो है शास्त्रीय नृत्य है, ये कौन कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, केरल का कौन सा है, कथकली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला में, दिल्ली में, कटक में या लखनऊ में। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में पड़ता है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 1 जनवरी या 8 मार्च। जो विश्व एड्स दिवस है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये डेट वगैरह भी याद कर लेना सभी के सभी। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, कोलंबो, दिल्ली, काठमांडू या इस्लामाबाद। तो सार्क जहाँ, सार्क का मुख्यालय जो है वहाँ पड़ता है काठमांडू में, नेपाल के राजधानी काठमांडू में। बांग्लादेश की संसद है, राष्ट्रीय पंचायत, मजलिस, जाती संसद या फिर शोरा। शोरा तो पड़ती है आपकी अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान जो बांग्लादेश की पड़ती है वो आपकी पड़ती है जाती संसद। राष्ट्रीय पंचायत किसकी है, ये है नेपाल की। ठीक है, इन सभी को ध्यान रखिएगा। और जो मजलिस है वो मालदीव की है।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र पर आयशोबात रेखाएं दर्शाती हैं, समान दाब, समान ताप, समान ऊंचाई या समान गहराई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा समान गहराई। मानचित्र पर आयशोबात रेखाएं दर्शाती हैं, समान गहराई। तो दोस्तों आपके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। देखिए कितने बहुत ही ज़्यादा कठिन भी पेपर नहीं आएगा और बहुत ही आसान भी नहीं आएगा। पेपर आएगा मॉडरेट, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे और करंट अफेयर्स के कम से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखिए करंट अफेयर्स का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, जो जीके है वो करंट अफेयर्स और जो मेरिट जो डिसाइड हो रही है वो जीएस पे डिपेंड हो रही है पूरी पूरी है, क्योंकि मैथ भी बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, रीजनिंग भी बहुत अच्छा कर रहा है, इंग्लिश भी अच्छा कर ले रहा है, जीएस में उतना स्कोर अभी नहीं हो पा रहा है। तो इस टाइप के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियो को देखते रहें। आज के लिए धन्यवाद।